Good morning, students. Today we are going to learn about the more letters. English grammar portion में हमने alphabets के बारे में learn किया था, vowels and consonants. Okay. उसमें हम आगे और थोड़ा सीखेंगे. अपना पेज नंबर 36. इंग्लिश बुक में पेज नंबर 36 में हम और रीडिंग करेंगे. लेट अस लर्न मोर अबाउट द लेटर्स. अक्षर के बारे में और कुछ जानकारी अपने लिए. सी द लेटर एंड द पिक्चर एंड देन एक्ट इट आउट. ये पिक्चर को देखो, अक्षर को देखो और उसी तरह एक्टिंग करना. ओके. फर्स्ट पिक्चर एरोप्लेन. एरोप्लेन का पहला अक्षर ए. कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दे रखा है. एरोप्लेन का पिक्चर भी दे रखा है. समझ में आया? ये पिक्चर भी है. ये फर्स्ट वन एरोप्लेन. एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं? हाथ से ऐसे हम ऐसे करके एरोप्लेन उड़ने की तरह एक्टिंग कर सकते हैं. दोनों हाथ ऐसे फैला के, दोनों हाथ फैला के ऐसे एरोप्लेन की तरह उड़ने का एक्शन कर लेना. और सेकंड वन बैट का पिक्चर है. पिक्चर ऑफ बैट. कैपिटल बी एंड स्मॉल बी दे रखा है. बैट से कैसे मारते हैं? दोनों हाथ में ऐसे बैट पकड़ के बॉल को मारते कैसे? उसी तरह से बॉल को मारने की तरह एक्शन कर लेना. ये इसमें इसके नीचे दे रखा है. क्या दे रखा है? एक्शन. प्रटेंड टू होल्ड एंड स्विंग ए क्रिकेट बैट. हाथ में बैट को पकड़ के ऐसे जोर से बॉल को मारने की तरह एक्टिंग करना. वो एक्टिंग है. सच में अपने हाथ में बैट नहीं है. हैं? बैट तो हाथ में नहीं है. हाथ में हाथ ऐसे पकड़ना. सपोज करो, ऐसे विचार करो, मेरे हाथ में बैट है. फिर ऐसे एक्टिंग करें. ये है प्रटेंड. सच में अपना हाथ में नहीं है. हैं? हम ऐसे नहीं करते. एरोप्लेन की तरह हम नहीं उड़ते, लेकिन उड़ने की तरह हम ऐसे प्रटेंड करेंगे. ये है प्रटेंड. नेक्स्ट सी. सी फॉर कैट. कैट का पिक्चर दे रखा है. प्रटेंड टू पेट केयर्स ए कैट. हम ऐसे बिल्ली को संभालने के लिए ऐसे प्रटेंड करना. नहीं तो बिल्ली की तरह आवाज़ भी बनाना. कैसे बनाएंगे बिल्ली की आवाज़? पता है क्या? म्याऊ बनाओ. तब सीख जाएंगे. और नेक्स्ट डी. डी फॉर डॉग. एक्शन बार्क लेके डॉग. डॉग की तरह बार्किंग करना, आवाज बनाना, बबो करना. आते है? कैसे बबो करेंगे? बबो ऐसे डॉग की तरह आवाज बनाना. ये सारे क्लास में आ जाएंगे तब ये सारे हम एक्शन करेंगे. ठीक है, क्लास में. नेक्स्ट है ई. ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट के पिक्चर में कैपिटल ई स्मॉल ई दोनों हैं. स्विंग यूअर आर्म लाइक एन एलिफेंट्स ट्रंक. क्या करना है? अपना हाथ को ऐसे एलिफेंट एलिफेंट का सूंड होता है, सूंड ऐसे 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 करके एलिफेंट का सूंड बनाना हाथ से. और नेक्स्ट ये पेपर फैन है. पेपर फैन. पेपर ऐसे मोड़ मोड़ के फैन बना सकते हैं. उसके ऐसे पहले एक मोड़ करो, फिर छोटा छोटा मोड़ करो इधर उधर. एक आगे एक पीछे, आगे पीछे ऐसे मोड़ मोड़ के पूरा. फिर ऐसा एक साइड ऐसे बीच में पकड़ लेना. बीच में स्टैपलर लगाना, नहीं तो ग्लू लगाना. फिर ऐसे फैन जिसे बता सकते. जब क्लास में आ जाएंगे तब बना के दिखाएंगे. और ये पेपर फैन प्रेटेंड टू वेव ए पेपर फैन. ऐसे पेपर फैन से हम ऐसे हवा दे रहे हैं. उसी तरह एक्टिंग करना. और नेक्स्ट जी. जी फॉर गिटार. गिटार कैसे? गिटार प्लेइंग करने में ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे हाथ से गिटार. हाथ में गिटार नहीं है, बिल्कुल एक्शन है. ये है प्रेटेंड. ऐसे करके बचाने की तरह ऐसे लगाना. ये नेक्स्ट हामर.
H for hammer. Hammer का एक्शन प्रटेंड हामर ए नेल, वो कील लगा के हामर हथौड़ा से इसे जोर जोर से मारते, हाँ उसी तरह मारने का एक्शन कर लेना. नेक्स्ट आई, आई फॉर इंसेक्ट, जो कीड़े का पिक्चर है. वो कौन सा कीड़े का पिक्चर है? लेडी बर्ड का. लेकिन इसमें हम इसको इंसेक्ट सीखने, कीड़ा होता है, कीड़े का नाम से आते हैं. और यूज यूअर फिंगर टू प्रटेंड टू क्रोल लाइक एन इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट ऐसे 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 जाते हैं, हाँ फिंगर से ऐसे एक्शन कर लेना जैसे कीड़ा रेंगने की तरह. और नेक्स्ट है जे, जे फॉर जंप, जंप मीन्स कूदना, कूदने का एक्शन करना, कूदने का तो आता है, अच्छा लगता है कूदना. और नेक्स्ट के, के फॉर काइट, प्रेटेंड टू फ्लाई ए काइट, क्लाइट काइट उठाने का एक ऐसे ऐसे उसका धागे में पकड़ेंगे काइट ऐसे ऐसे जाएंगे, हैं हम काइट कैसे धागे में पकड़ के ऐसे ऐसे उठाते, हाँ वो एक्शन कर लेना. और नेक्स्ट एल, एल फॉर लायन, लायन शेर, शेर जैसा आवाज़ बनाना, शेर जैसा आवाज़ किसे बनाएंगे, ऐसे आवाज़ बनाएंगे, ये क्लास में आ जाए कोई तो ये सारे एक साथ करेंगे तो वह बहुत मज़ा होता है, ठीक है. और नेक्स्ट एम, एम फॉर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का मैं हम बैठ के चलाने का प्रटेंड करो, ऐसे दोनों हाथ हैंडल में पकड़ के, हैंडल सच में हाथ में नहीं है, ऐसे ऐसे पकड़ना, सोच लो मेरे हाथ में हैंडल है, हाँ ऐसे फिर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करो, हैं फिर चला दो ऐसे आवाज़ बना के, ठीक है. ये सारे प्रटेंड, असली में नहीं, हम उस ऐसे एक्शन करते हैं. एन फोर नैपकिन, एक्शन प्रटेंड वाइप योर फेस विथ ए नैपकिन, जो फेस को पोछने का, वो नोस को पोछने का ऐसे पेपर होते हैं, पेपर से हम साफ करते हैं, हाँ वो वाला इसको बोलते हैं नैपकिन, उसे फेस ऐसे पोछने का, ऐसे एक्शन कर लेना. और ओ फॉर आउल, आउल मीन्स उल्लू, स्टेयर लाइक एन आउल, आउल को देखा है, बहुत बड़ा आंग है उसका, आँख ऐसे बुढ़ा करके हाँ देखना, ये है हाउल की तो उल्लू की तरह देखना, बहुत बड़ा मोटा आँख करके देखना, तब उल्लू जैसा एक्शन होता है. नेक्स्ट पी, पी फॉर पिल्लो, पिल्लो जो तकिया होता है, तकिया में तकिया ऐसे लगा के आराम से सोने की तरह एक्शन कर लेना, ठीक है एक्शन. नेक्स्ट है क्यू, क्यू फॉर क्विल्ट, एक्ट आज सेफ कवरिंग योर सेल्फ विद ए क्विल्ट, रजाई ओढ़ के हम सोते हैं, रजाई उठा के ऐसे पूरा डाल के आराम से सोने की तरह एक्शन कर लेना. और नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, प्रेटेंड टू होल्ड ए कैरेट इन योर हैंड्स एंड निबल लाइक ए रैबिट, हाथ में ऐसे एक कैरेट पकड़ के, क्या खरगोश कैसे खाते हैं, उधर उधर के खाते हैं, अच्छे से एक्शन कर लेना, ठीक है. और नेक्स्ट एस, एस फॉर स्नेक, एक्ट एज इफ पुटिंग योर हेड ऑन ए पिल्लो, सॉरी एस फॉर स्नेक एक्शन, हिस लाइक ए स्नेक, स्नेक जैसा आवाज़ बनाना, स्नेक का आवाज़ कैसे होता है, जब स्नेक जाते हैं तब ये आवाज़ बना के चलते हैं. अब देखा है क्या स्नेक को असली में, ऐसे कभी भी मिल जाएगा तो ध्यान रखना, लेकिन देखने के लिए स्नेक के पास नहीं जाना, वो काटेगा. नेक्स्ट टी, टी फॉर टूथब्रश, प्रटेंड टू यूज़ योर फिंगर्स लाइक ए टूथब्रश, ऐसे फिंगर पकड़ के ब्रश की तरह, फिर ऐसे ब्रश करने की तरह एक्शन करना फिंगर से. नेक्स्ट यू, यू फॉर अम्ब्रेला,
प्रेजेंट टू होल्ड एन अम्ब्रेला, ऐसे अम्ब्रेला पकड़ के हम जाते उसी तरह हाथ में, यहाँ मेरा हाथ में अम्ब्रेला है ऐसे पकड़ने की तरह सोच के चलना। नेक्स्ट है बिफोर वायलिन, प्रेटेंड टू प्ले ए वायलिन, वायलिन हाथ में पकड़ के ऐसे इसका जो बचाने का है वो हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है यूज योर हैंड्स टू मेक वेव्स, डब्ल्यू फॉर वेव, वेव मीन्स ऐसे वो पानी के ऊपर ऐसे जो तरंग होता है, यही वेव, ऐसे एक आएगा फिर उसके नीचे दूसरा आएगा ऐसे से जाएगा। अभी वो भी सुनाई है वेव, क्या कोरोना का वेव भी सुनाई है, हैं फर्स्ट वेव आ गया, अभी सेकंड वेव आ गया, अभी थर्ड वेव आएंगे ऐसे बोल रहे हैं, वो बच्चों के लिए आएंगे, बच्चों को ज़्यादा पकड़ेंगे ऐसे सुनाई। इसलिए सब अपना सेफ्टी में रखना, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक्स, एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, प्रेटेंड टू बी डेकोरेटिंग एन क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री सजाने का प्रेटेंडिंग करना, एक्टिंग करना। ठीक है, उसमें क्या है स्टार लगाता है और लाइट लगाते हैं, कुछ टॉयस लगाते हैं, कुछ भी ऐसे डेकोरेशन का चीज़ें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वाई फॉर जज, प्रेटेंड आस इफ सेलिंग ए याच ऑन सी, समुद्र में ऐसे याच जाने की तरह हम प्रेटेंड करके ऐसे जो याच ऐसे हवा से चलते हैं, हवा जिस तरफ आते हैं उसी तरह में जाते हैं, वो मोटर से नहीं चलता है, हवा के द्वारा चलता है, ये प्रेटेंड एक्टिंग करना। और नेक्स्ट है सिब, सेड फॉर सिब, प्रेटेंडेड टू पुल अप योर स्वेटर सिब और द सिब ऑफ योर जैकेट, स्वेटर का जैकेट का ऐसे सिप होता है, हम ऐसे ऊपर करेंगे तो बंद हो जाते हैं, फिर नीचे करेंगे तो वह खुल जाते हैं, हाँ वो ऐसे सच में नहीं, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, इधर ऊपर तक आ गया तो बंद हो गया, फिर नीचे जाएगा तो खुल गया, हाँ ऐसे। ठीक है, इसलिए ये सारे वापस रिवाइज कर रहे हैं, पहले पिछले साल भी हमने लर्न किया था, अगर कोई छूट गया तो याद नहीं किया तो अभी ये सारे वर्ड्स लर्न कर लेना। इसके बाद अबाउट मी, एक क्विक एक्टिविटी है, ये जल्दी करना है, जल्दी बोलना है, जल्दी करना है। अबाउट मी, अपने बारे में, माई नेम इज़, खुद का नाम लिख सकते हैं, हाँ जल्दी लिख लेना। और माई फादर्स नेम इज़, पापा का नाम पता है, स्पेलिंग भी याद है, अगर किसी को याद नहीं तो सीख लेना आप भी। पापा का नाम का स्पेलिंग लिख लेना, मम्मी का नाम का स्पेलिंग लिख लेना। माई फादर्स नेम इज, इसके बाद मिस्टर लगा के आगे लिखना है पापा का नाम। ठीक है, पापा का नाम के पहले मिस्टर, एम आर मिस्टर लगाना, मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म एम आर लिखना, इसके बाद पापा का नाम लिखना। और मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज मिसेस, एम आर एस लिखे, एक बिंदी लगाना, फिर लिखना मम्मी का नाम, समझ में आया। पापा का नाम लिखने के पहले एम आर लिखे, एक बिंदी लगाना, फिर पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम लिखने से पहले एम आर एस के बाद एक बिंदी, फुल स्टॉप, फिर लिखना मम्मी का नाम। इसके बाद माई स्कूल्स नेम इज, अपना स्कूल का नाम भी लिखना, अकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल, कौन सा है अपना स्कूल का नाम, ये स्पेलिंग याद कर लेना, अपना स्कूल का नाम का स्पेलिंग याद करना जरूरी है। ओके, इसमें स्कूल का नाम बस इसमें नहीं है, बाकी तो तीन आप खुद लिख लेना है, और किसी का हेल्प ले लो, घर से पापा मम्मी या भैया दीदी कोई भी है तो हेल्प लेना, अगर कोई नहीं होता, किसी को नहीं होता तो मुझे कॉल करके पूछ लो, मैं बता दूँगी। ओके, थैंक यू,
इसके बाद लेट अस लर्न द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए बिग फैमिली ऑफ 26 लेटर्स. अल्फाबेट में कितना लेटर होता है? 26. इन दिस फैमिली देर आर 5 स्पेशल लेटर्स. ये एक परिवार है. यह से लेकर इसे तक ए बी सी डी एक परिवार. इसमें स्पेशल लेटर्स 5 अक्षर विशेष होता है. इसको कुछ अलग से बात होता है. ए ई आई ओ यू क्या है? ए ई आई ओ यू दे आर कॉल्ड पावर्स. हम पहले भी लर्न किया था. अभी वापस भी ये चीज़ आ गया. वोवल्स क्या क्या है? ए ई आई ओ यू ध्यान रखना. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी अक्षर सारे कॉन्सोनेंट्स नाम से जाना जाता है. ये 21 लेटर्स है. कॉन्सोनेंट्स 21 है और वोवल्स 5 है. ओके थैंक यू.